डिविजनल लेवल पे सर एक्शंस हैं, स्टेप्स हैं सर, उन्हें बड़ा क्लोजली फॉलो करती है. इन सब की बहुत ज्यादा तौकात थी सर कि आप यहाँ आए, एंड थैंकफुल फॉर इट. सर आज आप दोनों यहाँ सिविल सोसाइटी से ही बात करने आए हैं, तो मैं सिविल सोसाइटी को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोसीडिंग्स मॉडरेट करें. आप देखेंगे कि आप पूरा गुलदस्ता हुआ है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, यहाँ पहाड़ी भी है, गुजर भी है. ये मीडिया में गलतफहमियां जो है जनाब रख के ये गुलदस्ता है, ये हिंदू मुसलमान पड़ोसी पुराने लबों पर महरू बा. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेम्बरान पंच की बाबू शख्सियात सीनियर सिटीजन, आज सुबह से आपके इंतजार में थे. आप पूछ आए, हम आपको वेलकम करते हैं. जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, वो आप लोगों से कोई भी ढकी छुपी नहीं, क्योंकि आज भी पूछ के लोग जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब के पास जाते हैं तो ये इनको फुर्सत ना भी हो पूछ वालों को जिस प्यार और खलूस से मिलते हैं. बाकी रात सवाल हम बांटते हैं. हमारे लोगों ने जंगें भी देखी, हमारे लोगों ने प्रॉक्सी वार भी देखी, और हमेशा यहाँ के हर शहरी ने बगैर नस्ब मिलत, बगैर रंग व नसब इस देश को मजबूत करने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी. बेल्ट फोर्स में थे, खैर वो बगैर वर्दी के थे, हमेशा ये साबित किया है कि हम देश के वफादार हैं. कामयाब करने के लिए हर दौर में पूछे आगे रहे, और मेहमान नवाजी खूब करके लड़ाई है जिसकी मिसाल आज भी हर जगह जो है जिक्र की जाती है. मैं आप दोनों शख्सियात को यह यकीन दहानी करता हूँ, अगर पदक से इनके मैदान न होते तो आज हम इनकी तारीफ न करते. वो चूंकि दुश्मन की साजिशों को ध्यान में रखते हुए वो हमारी भीड़ का कहीं नाजायज फायदा न उठाए, हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर गैदरिंग किसी भी किस्म की भगड़ाग्रस्तक जो है वो बंद रहनी चाहिए. हम एक बार फिर आपको यकीन दिलाते हैं पूरे जिला की तरफ से, यहाँ पर सोशल अनरेस्ट की आपको कोई भी यहाँ पर खबर नहीं आएगी, न ऐसा यहाँ पर होने वाला है. और ऐड करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस हाल में जितने भी हमारे बिना मजबूत मिलत जो लोग बैठे हैं, ये गुलदस्ता बैठा है, वो बढ़ चढ़ करके आगे आकर के उस यात्रा का स्वागत करता है. Have you seen that they have gone after militancy and especially they have gone after the Darfur terrorists? So need of the hour is development. कि सबसे पहले नौजवान नस्ल का ख्याल रखा जाए, इनके लिए अगर कोई चाराकार कोई नए तरीके निकाले जाए तो तब जाके हमारे मुल्क में सही अमन भी आएगा और हमारे मुल्क की तरक्की भी होगी. रोंटे चमन हमारे अंदर रंग से है, रोंटे चमन तुम्हें तुम हो तो क्या तुम हो, हमें तो क्या. एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिल के जब निकलेगी ना तो वो गुलदस्ता बन के आता है. और यहाँ पे आवाम ने धोलीपुर की किताब बचाने आपका साथ दिया, कानून दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का साथ दिया, और जहां तक होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साथ दे रहे हैं के अंदर बेचैनी हो तो ये उनका मकसद पूरा होता है कि अगर हम सोशल मीडिया ही की बुनियाद पर कोई कदम उठा लें. बाकी पहली बात हुई अभी यहाँ तामीर तरक्की के हवाले से, तो सर आप क्योंकि हुकूमत के तर्जमान और नुमाइंदे भी हों और आपके जरिए हम अपनी बात ऊपर भी पहुँचा सकते हैं. बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमें डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और डीसी दिए हैं, इनको यहाँ कम से कम 3 साल का मौका मिलना चाहिए ताकि ये जो हमारी कमी है उसको पूरी कर सके. फैलाया है पुंछ में, ऐसा कुछ नहीं है. जो कुछ हुआ इंसिडेंट अगर थोड़ा बहुत पता चला है एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर वेरीफाई हो रहा है, जब भी वो क्लियर होगा उस पर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख गुजर पहाड़ी जो भी उसमें मुलुस पाया होगा उस पर जो भी सजा होगी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं. और हम आपका मोटा रखते हुए अगर
से सीधा मुझे अच्छा नहीं है, तो अगर उन लोगों को ट्राई किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब ये बात मैंने की और एस पी हमारी फ्लाइट थी जब मुझे क्या हुआ कि लाया गया मेरा, लेकिन इस बात से मुझे फिक्र नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी से कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पूंछ में 65% से 65% पहाड़ी लोग हैं, और मैं बीइंग वाइस चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों का हक था कि मैं इनकी बात भी होम मिनिस्टर के सामने रखूं। यहाँ पे वो ताकतें पनप नहीं पाई, लेकिन हर बार उनको झुकाते हम ही। इनकी कोशिशें रहनी चाहिए और हमारी हिम्मत रहनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे पहले भी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। जो आपने हर बार देश को रखा है, यहाँ के साथ में बॉर्डर भी है, सरहिंद भी होती है, दूसरों और दुश्मन की तरफ से कोशिशें की जाती है, पर यहाँ पर कभी भी उस तरीके का नहीं सुनने को मिला कि यहाँ पर भी कोई देश के खिलाफ बोला या नहीं। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि जिसको कहा जाता है कि बिना वर्दी के सिपाही की तरह आपने उस बॉर्डर को संभाल के रखा है। बाकी यहाँ पर टिकट में सब डिस्कशन हो रहा, ताजमीर साहब का कहें, केडमैन साहब का कहें, जवान साहब का कहें या सरदार साहब का कहें, सब लोगों ने अच्छे तरीके से मुझे यह तो विश्वास भी है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना अमन भाईचारा कायम रखा है और रखेंगे भी। और जैसे अकरम साहब ने कहा कि एकदम मीटिंग ये उस टाइप से नहीं है कि एकदम उस लिए मीटिंग के लिए आए हुए हैं। एडीसीपी साहब हम कई बार बात करते हैं हमें जाना है पर कई बार नहीं मौका मिल पा जाना है, लेकिन हेलीकॉप्टर मिल गया तो हम इसलिए आए हैं। तो आप लोगों को पूरा विश्वास है कि हमें पुंछ में इस तरीके की कोई हरकत नहीं हो सकती आप लोगों के होते हुए। दूसरी बात जो वो आप सभी लोगों को पता है, मंत्री साहब से लेकर के एचएम साहब से लेकर के प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर के उसमें सभी को पता है कि दोनों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाए। पिछले साल जब एचएम साहब भोजले आए थे, आप सभी लोग वहां पर होंगे नहीं होंगे, तो वहां पर उन्होंने स्टेज पे एक पृथक तरीके से घोषणा की थी कि जहां पर गुर्जर का हित है उसमें किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं की जाएगी, पहाड़ियों का हित है वो भी तोड़ा जाएगा और उसमें किसी के भी बेनिफिट को काट करके बेनिफिट नहीं दिया गया। यह मैं आपको एनडीए साहब की तरफ से सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद में 2 महीने पहले मिनिस्टर साहब फिर जम्मू में आए थे, जम्मू में भी आप में से कोई थे नहीं थे मैं नहीं कह सकता, पर वहां पर भी उन्होंने यह कहा था कि किसी भी तरीके से इनके हित में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उसमें आप अपना तावन रखें, प्रॉपर तरीके से रहें। दूसरा, इतने सालों से इस मिश्रा साहब ने कहा कि मोहब्बत बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसको नफरत को बनाने में बहुत कम समय लगता है, तो जो आपने मेहनत की होगी वो मेहनत कामयाब रहनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से मैं पूरे लोकतांत्रिक देश से लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी तरीके से आपको उसको तवको नहीं है, तो लोकतांत्रिक तरीके और लोकतांत्रिक तरीकों से हम करेंगे। आपको सबको अधिकार है उसमें सब कुछ है, पर किस तरीके से नहीं कि आपके ऊपर या हमारे ऊपर या इस पोस्ट पे आपको कोई दबाव लगे वो नहीं लगना। जितना भी डेवलपमेंट का आपको अक्रम साहब के साथ डेवलपमेंट की बात करेंगे, कुछ इश्यूज है जैसे सीटी स्कैन का इश्यू जो बात उठाई मिश्राई साहब ने, वो एक जेन्युइन इश्यू, उसको रिजोल्व करवाएंगे। नीचे मंडल रोड का इश्यू था वो भी रिजोल्व हो गया, रोड बन गई है। जितना भी इश्यूज है आगे मौका नहीं है, अगली बार आएंगे तो अक्रम साहब ने कहा कि अभी अगले महीने जब भी मौका मिलता 15 अगस्त के बाद में यहीं बैठेंगे, डेवलपमेंट के जितने इश्यूज है बात करेंगे। आपके भी जो कुछ है फीडबैक है वो भी लेंगे, सरकार हमेशा उसके लिए तत्पर है कि आप उस तरीके से चलाया जाए जिससे हो। 15 अगस्त आ रहा है तो आप सभी लोग जो कह रहे हैं धूमधाम से हम मनाएंगे, तो पूरे जो चौकन में आकर के एसएसपी साहब को मैं कहता है उसके तरीके से करेंगे
बाकी बात रहे सब लोगों ने नशे की बात उठाई यहाँ पर कि नशा जो फैलेगा तो उसमें हम सभी लोगों की एक जनजन के बात होनी चाहिए कि उसको हम किस तरीके से कम करें क्या करें उसको होना चाहिए। ताकि अक्रम साहब की जो बात है वो भी मुझे पता है, मैं उनसे बात करके वो भी रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं समय भी कम है, सभी को नमाज के लिए जाना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक छोटे से हमारे मैसेज देने पर आए। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर हमें तो कुछ लोगों ने कहा कि कल एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है तो शायद लोग थक गए होंगे, तो मैंने कहा जिस दिन कुंजी थक जाए एक मीटिंग से तो कुंजी बनेगा। तकरीबन एक साल पहले को एक मसला हो गया था जिसमें किसी कौम को ठेस पहुंची थी, तो यहाँ से रजौरी से एक जॉइंट प्रोटेस्ट जॉइंट बंद का ऐलान हुआ था। तो ये जब हमारे किसी वरिष्ठ जो अधिकारी ने जम्मू में मुझसे बात की तो कहा कि नहीं ये बंद नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा कि फिर आप पूंछ को जानते नहीं है, वो वही जगह है जहां पे किसी एक कौम को ठेस पहुंचती है तो सारे कौम इकट्ठे बैठते, तो लिहाजा हम उसको नहीं रोकेंगे और इस पर हमने उनकी बात नहीं मानी। तो वो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि ये पूंछ एक वाहिद जगह है और भी कुछ जगह होंगे, लेकिन पूंछ में एक खासियत है कि जब भी कोई आपस में विचार करके इस मसले को हल कर लेते हैं। अंतर साहब ने कहा कि मीडिया वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कुछ कहा तो हम यहाँ पहुँच गए, शुक्रिया मैं भी उनका अदा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो मीडिया वाला पंच का है तो मैं उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने छोटे मसले को इस तरह से पेश कर दिया जम्मू में और दिल्ली में कि आपकी अपनी छवि खराब होगी। कि ये मसला वो नहीं था, आप मैं आप सबको जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस महफिल में जो मैं बैठा है वो किसी भी तरीके से इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होगा, मैं नहीं मानता। चाहे वो लाख कोई मुझे कह ले कि जना फला मैं इन्वॉल्व था फला मैं नहीं मानता। तो ये मुझे इतना यकीन है पंचों पर और इसी यकीन से मैं यहाँ आपके सामने बार बार आके आपसे मुखातिब होता हूँ। वरना मैं मेरी मजाल की इतने बड़े बड़े लोग हैं इनके सामने पेश हो जाए और शक्ल दिखाए। तो जहाँ तक जो मसला है पहाड़ी गुजर वाला डिप्टॉम साहब ने कह दिया है, जब गृह मंत्री खुद रजौरी में आके ये बातें कह के जाते हैं या जम्मू में कह के जाते हैं या दिल्ली में आपके नुमाइंदे कुछ चले जाते हैं, सबको तो नहीं बुलाया जा सकता दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि मुझे यकीन हमें सबको यकीन करना चाहिए, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है जो कि आपको यकीन दिला सके। ताकि कि हमें जो इन पे सब पे जो हमें आश्वासन दिया गया उस पर यकीन करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, खाका जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब आपके सामने पेश हो जाएगा और फिर आपको सब सारी क्लैरिटी आ जाएगी और फिर किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो 15 अगस्त का फंक्शन है, अभी सिक्योरिटी के हालात भी आप सब देख रहे हैं कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के लिहाज से 15 अगस्त तक हम किसी को किसी ना प्रोटेस्ट की ना जलसे की परमिशन देने वाले हैं, ना सेलिब्रेशन ना प्रोटेस्ट, तो उसको आप सबको याद रखना पड़ेगा। वो हम कुछ जोड़े में अभी अलाउ नहीं करेंगे और जब 15 अगस्त हो जाए उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से जैसे डिपकॉम साहब ने कहा आप अपने बात को रखना चाहें किसी तरीके किसी फोरम पे वो आप रख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि बार बार आपसे मिलने का मौका मिलता है, धन्यवाद। जय जम्मू का मैं शुक्रगुजार हूँ सर कि आप यहाँ पर आए और आपने बात सुनी सबकी। हमें अंदाजा था कि आपको असल बात जम्मू बैठ के भी पता है सर, यहाँ पर हमें बड़ी दिक्कत काम करने में ये आ रही है कि सर कोई भी बात आपसे छुपी नहीं होती है सर, आपको हर चीज का पता रहता है सर, तो आपसे हम हिम्मत नहीं कर पाते कुछ भी झूठ बोलने की छुपा पाने की सर। हमें पूरा अंदाजा है सर कि आपने ये बात दिल्ली तक पहुंचाई होगी कि पुंछ में इस तरह की हरकत हो नहीं सकती और पुंछ ऐसे नहीं है सर। आप यहाँ पर आए आपने इनकी बात सुनी और इसको एक ऑफिशियल चेहरा दिया इस इशू को सर, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है सर। इसी के बीच हम डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज को भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।